दोस्तों आज की इस वीडियो में इथरनेट वायर को कैसे क्लिंप किया जाता है उसी के बारे में बताएंगे। एक नॉर्मल बेसिस से होता है और एक क्रॉस कनेक्शन से उसका क्लिंप किया जाता है, और ये दोनों किस लिए यूज किए जाते हैं वो हम बताते हैं। जो डायरेक्ट क्लिंपिंग है ये सिर्फ इंटरनेट अगर वगैरह चलाना होता है, जैसे बस इंटरनेट एक्सेस करना है तो डायरेक्ट क्लिंपिंग करके आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नेटवर्किंग पर डालना चाहते हैं, जैसे कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम से 10 सिस्टम चलाना है, या फिर एक प्रिंटर है उस प्रिंटर को नेटवर्क पर डालना है, राउटर पर डालना है, तो लैन के थ्रू वो कनेक्ट किया जाता है। या फिर जैसे कि कोई डिवाइस है उसे नेटवर्किंग पर डालना है तो उसके लिए क्रॉस कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। वैसे तो दोस्तों इस समय लगभग फाइबर पहुंच चुका है सभी के घरों में, और जहां पे पहुंच चुका है वहां पे तो मान लीजिए कि फाइबर पहुंच गया। फाइबर के बाद लैन केबल की जरूरत पड़ती है। अगर कोई सिस्टम लगाते हैं, यदि वाईफाई लगाते हैं तो वहां पे वायर की तो जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि अगर हम वाईफाई लगा दे रहे हैं लैन केबल से हम क्यों चलाएं, तो बात ये होती है कि अगर जो आप इंटरनेट की स्पीड ले रहे हैं, जैसे 30 Mbps ले रहे हैं, अगर लैन से चलाते हैं अपने सिस्टम में कनेक्ट करके तो वो बिल्कुल परफेक्ट 30 Mbps ही मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे वाईफाई से कनेक्ट करके चलाते हैं तो वाईफाई में कुछ स्पीड लॉस हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि जो आपने राउटर लगाया, वाईफाई राउटर लगाया है उस डिवाइस पर डिपेंड करता है, या फिर आप जिस कंप्यूटर में या फिर जिस मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल का कैसा वाईफाई है, या फिर जिस कंप्यूटर में लगा रहे हैं वो कौन सा वाईफाई यूज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसमें कुछ स्पीड लॉस हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम लोग इथरनेट वायर का यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों जो लोग अपने घरों में फाइबर या कोई अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमेशा बार बार अगर कोई कंप्यूटर इधर उधर ले जाना होता है या चूहा काट देता है तो इसके लिए हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिक को बार बार बुलाना पड़ता है, जिससे कि वो जब आएगा तब 200-400 रुपये लेकर जाएगा सिर्फ एक केबल का क्लिंपिंग करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि RJ45 इथरनेट केबल में कैसे कनेक्ट किया जाता है या उसे कैसे क्लिंप किया जाता है, वो सारा प्रोसेस बताएंगे। और ये जो क्लिंपिंग है आप भी अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिंपिंग करने के लिए दो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ये क्लिंपिंग टूल, RJ45 क्लिंपिंग टूल इसका नाम है, और ये जब टूल खरीदें तो उसके साथ ये मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पीला कलर का है ये वायर को छीलने के लिए होता है और ये क्लिंप करने के लिए होता है। अगर ये भी नहीं रहे तो वायर को छीलने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, इससे भी हम वायर को छील सकते हैं। इस क्लिंपिंग टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। वैसे तो इस डिवाइस का जो प्राइस है लगभग 300 से 350 के रेंज में ये मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो भी वायर को आप क्लिंप किए हैं उसे कैसे टेस्ट करें, तो उसके लिए एक लैन टेस्टर आता है इस तरह से, ये अलग दोनों तरफ से निकल जाता है, तो आप दूरी पर भी ले जाकर चेक कर सकते हैं। और दोनों को इस हिस्से में अगर लगा देते हैं तो अगर जब ऑन करेंगे तो प्रॉपर ढंग से वो लाइट जलेगी, जिससे ये पता चल जाता है कि हमने जो क्लिंपिंग किया है वो प्रॉपर ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, इससे पता चल जाता है। तो चलिए पहले क्लिंपिंग करते हैं, क्लिंप करके इसमें टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वायर है, इस वायर को हमें ऊपर का जो हिस्सा है इसे छीलना होगा, तो इसमें लगा लेंगे और इस तरह से इसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये ऊपरी हिस्सा कट जाएगा तो इसे हम हटा लेंगे। कैट 6 में भी बहुत सारी कंपनियां ऐसे है, लोकल कंपनियां आती हैं जो बहुत ही ख़राब वायर होता है। यदि आप डीलिंग का लेते हैं तो डीलिंग बहुत ही बेहतर वायर बनाता है, तो उस कंपनी का लेते हैं तो बहुत अच्छा वायर होता है उसका। इस वायर को खिंचाव ना पड़े उसके लिए ये बीच में एक प्लास्टिक डाली जाती है, ये जो दोनों चीज़ें हैं इन दोनों चीज़ों को काट लेंगे, यहाँ से रख के इसे काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों इस केबल में 8 वायर होती हैं जो दो दो पेयर का, यानी कि 4 पेयर होते हैं, तो इनमें हर कलर अलग अलग होता है। तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होता है, यानी कि डायरेक्ट क्लिंपिंग कैसे होती है। डायरेक्ट क्लिंपिंग में कोई रंग वगैरह का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट जैसे कि आप जिस तरह से एक साइड क्लिंप करेंगे, जैसे जैसे जिस सीरियल नंबर से वायर लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो वायर है ये ऑरेंज और वाइट ऑरेंज, ये इस तरह से लगा दिए। दूसरा है ब्राउन, उसके बाद वाइट ब्राउन, उसके बाद वाइट और ब्लू, उसके बाद ब्लू, उसके बाद यहाँ पे वाइट ग्रीन और ग्रीन। अगर इस तरह से ये सारे वायर को हम इस तरह से कनेक्ट किए, जो कि ये कोई सीरीज नहीं है, आप जैसे चाहेंगे वैसे, यानी कि बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो इस हिस्से पे लगाए हैं वो दूसरे हिस्से पे सेम वही पेयर होना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी इंटरनेट चलाते हैं तो यहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन क्रॉस कनेक्शन करना चाहते हैं तो क्रॉस कनेक्शन में ये होता है कि हमने अभी बताया कि क्रॉस कनेक्शन नेटवर्किंग पे काम करता है, या फिर आप डायरेक्ट इंटरनेट भी उससे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप हमेशा क्रॉस क्लिंपिंग किया करिए, जिससे कि आप नेटवर्किंग पे डालिए या फिर इंटरनेट एक्सेस करिए, दोनों पे प्रॉपर ढंग से चलता है। अगर प्रॉपर ढंग चलाना है तो क्रॉस कनेक्शन करना ज़रूरी है, और खास करके नेटवर्किंग पे। तो हम क्रॉस कनेक्शन आपको बता देते हैं। क्रॉस कनेक्शन में पहला होता है वाइट ऑरेंज, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑरेंज, उसके बाद वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद वाइट ब्लू, वाइट ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद वाइट ब्राउन, उसके बाद ब्राउन। ये पेयर हमेशा होना चाहिए। एक बार और हम बता दे रहे हैं, वाइट ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज, वाइट ग्रीन, और उसके बाद ब्लू, वाइट ब्लू, ग्रीन, वाइट ब्राउन और ब्राउन। ये पेयर होना चाहिए क्रॉस कनेक्शन के लिए। अब इन सभी को साथ मिला लेंगे। क्रॉस कनेक्शन का एक पिक्चर हम डिस्प्ले पर आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह से इस साथ मिलाकर, और ये जो ऊपर का टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो इसको हम एक बार काट लेंगे यहाँ से। इससे कि ये जो बाहरी हिस्सा है बराबर हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो RJ45 है, RJ45 मार्केट से ले लेंगे, लगभग 1.5 रुपये का पड़ता है। उसके बाद इसमें आराम से यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों इसमें हल्के से लगाएंगे, लगाने के बाद इसे ऊपर की तरफ धक्का देंगे, जिससे कि ये जो ये ऊपर का केबल है यहाँ तक पहुँच जाए, और पहुँचने के बाद दबाने पर यहाँ से टाइट हो जाए, जिससे कि अगर खिंचाव भी पड़े तो इन वायरों पर ना पड़े, इस केबल पर पूरा पड़े। तो इसके लिए इसमें अच्छे तरीके से अंदर इसको धक्का देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कवर है ये ऊपर तक पहुंच गया, और ऊपर भी ये ध्यान देना होगा कि जो ऊपर 8 वायर हैं ये ऊपर तक आ गए हों। आने के बाद अब क्या करेंगे कि ये जो ये क्लिंपिंग टूल है, इसके बीच वाले में जो 8 पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से पेयर में डालना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 पेयर है, ये 8 पेयर है और ये 4 पेयर है। तो हमें 8 पेयर वाले में डालना है। यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। डालने के बाद अब इसको अंदर से दबा कर और अच्छे से इसे ज़ोर से दबा देंगे। दबाने के बाद ये देख सकते हैं कि जब हम दबा दिए हैं तो ये जितने भी इस तरह से ये वाला देख सकते हैं पीला पीला पिन दिख रहा है, ये पिन ये जो वायर हैं उनमें धस जाएगा, तो जिससे ये रहेगा कि ये पूरा अच्छे तरीके से क्लिंप हो गया। अब ये जब क्लिंप हो गया तो जैसे जैसे वायर हमें क्रॉस कनेक्शन जो हमने पेयर बताया है, सेम पेयर दूसरे साइड में भी हम करेंगे। करने के बाद लाइन टेस्टर से चेक कराते हैं कि ये सही है कि नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से हमने RJ45 क्लिंप कर लिया है। अब इसको चलिए चेक करते हैं लाइन टेस्टर में लगा के। तो ये लाइन टेस्टर है, या तो आप दोनों अलग अलग करके चेक कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक में लगा देंगे इस तरह से, इसमें लग जाएगा। उसके बाद ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इनमें दोनों में हम इस तरह से प्लग कर देंगे। प्लग करने के बाद यहाँ पे जो सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लाइन वाइज अगर लाइट जलती है इसमें भी और इसमें भी, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने क्लिंपिंग की है दोनों तरफ वायर बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्लिंप हुआ है। अगर यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि 1, 2 हो रहा है, उसके बाद 3 छोड़ दिया, 4 से होने लगा, और 6 छोड़ दिया, 7 से होने लगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 वाले नंबर है, 3 नंबर पे जो वायर है वो सही से क्लिंप नहीं, वो सही से पकड़ा नहीं है, या फिर जो भी यहाँ पे जल लाइट नहीं जलेगी, तो उसका मतलब ये है कि उस नंबर की जो वायर है वो सही से क्लिंप नहीं हुआ है। तो उसको क्या करेंगे, फिर दोबारा यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद फिर दोबारा उसे क्लिंप करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर सही से नहीं होता है तो दोबारा कट करेंगे, तो जो ये RJ45 ये ख़राब हो जाता है एक बार क्लिंप करने के बाद, दोबारा इसे नया लगाना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार क्लिंप किए सही नहीं हुआ तो दोबारा उसे वायर निकाल कर दोबारा करना होगा, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें वायर निकल ही नहीं पाएगी। तो इस लाइन टेस्टर का ये एक फ़ायदा है कि तुरंत क्लिंप करके उस वायर को लाइव चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्लिंप किया है वो सही है या नहीं है। दोस्तों इस लाइन टेस्टर का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से RJ45 लाइन केबल का क्रॉस कनेक्शन का क्लिंपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।